हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया वीडियो लेके आया हूँ और जिसका शीर्षक है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यूएस एंड ब्रिटेन। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी आपको दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे, एमपीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे और उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा और वो देखेंगे कि भारतीय संविधान विश्व के जो महत्वपूर्ण संविधान हैं, अमेरिका के संविधान और ब्रिटेन के संविधान, वहाँ पर तुलनात्मक ढंग से भारतीय संविधान का स्थान कहाँ है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज आपके सामने में उपस्थित हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी। और एक बात और है कि जब आप भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में या अन्य कोई जानकारी लिखते हैं, या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, अगर आप यूएस के पार्लियामेंट या ब्रिटेन के पार्लियामेंट से कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर बेहतर होगा और एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपको न केवल हिंदुस्तान के संविधान के बारे में बल्कि विश्व के अन्य संविधान के बारे में भी अच्छी जानकारी है। तो दोस्तों, आज चलते हैं, देखते हैं कि तीनों महत्वपूर्ण संविधान में क्या क्या विशेषता है और उनका तुलनात्मक व्याख्या करने के बाद में हम क्या क्या पाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है वो है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि हिंदुस्तान का जो संविधान है उसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन एंड दोस्तों मैंने लिखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब यह है कि भारत का संविधान यदि ढांचागत हिसाब से देखें तो वो फेडरल है, संघात्मक है, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो एकात्मक है। वो कैसे? तो जैसे कि आप देखते हैं कि आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत इज शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन का मतलब यहां पर फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है? पहला कि एक यूनियन गवर्नमेंट है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट पूरे भारतवर्ष का शासन करता है, इसके पास में जो 7th शेड्यूल है इसके तहत में तीन प्रकार के लिस्ट की व्याख्या की गई है। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा कंकरेंट लिस्ट
और तीसरा स्टेट लिस्ट, तो दोस्तों तीन प्रकार के लिस्ट हैं। यूनियन लिस्ट जो है उस पर केवल पार्लियामेंट को या यूनियन गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है। जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट को कानून बनाने का अधिकार है। और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें केंद्र और राज्य माने यूनियन और स्टेट दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यदि एक ही सब्जेक्ट पर केंद्र और राज्य माने यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कानून बनाए जाएंगे तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून को सुपरसीड करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी एक फेडरल स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान का संविधान भी एक फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो उसकी जो स्पिरिट है वो यूनिटरी है। वो कैसे? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो स्टेट के जो मुखिया होते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो गवर्नर होता है और गवर्नर की नियुक्ति यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और यूनियन गवर्नमेंट के प्लेजर तक, उसकी इच्छा तक गवर्नर अपने पद पर रह सकता है। तो यहाँ पर जो गवर्नर के जो अधिकार हैं वो दो प्रकार के हैं। नंबर एक कि वह हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है और दूसरा वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट है। तो इस प्रकार से धारा 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर मिले हुए हैं। इसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा जो प्रोविजन है वो है प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। धारा 356 के तहत में प्रेसिडेंट अगर किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई है, सुचारू ढंग से काम नहीं कर रही है, तो धारा 356 के तहत में केंद्र सरकार उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है और उस स्थिति में केंद्र सरकार गवर्नर के माध्यम से उस स्टेट के पूरे शासन प्रशासन को देखता है, बशर्ते कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसको 2 महीने के अंदर में पार्लियामेंट के द्वारा रेटिफाई किया जाएगा, तभी प्रेसिडेंट रूल आगे तक बढ़ सकता है। तीसरा जो प्रोविजन है वो है रिजर्विंग बिल्स पास्ट बाय द गवर्नर द बिल पास्ड बाय असेंबलीज फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
दोस्तों जैसा कि मैंने लिखा कि अगर कोई राज्य सरकार कोई कानून असेंबली के द्वारा पास करता है या बिल पास करता है तो गवर्नर को यह अधिकार है कि उस बिल को अपने पास में सुरक्षित रखे और उसे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज दे, या तो प्रेसिडेंट उस पर असेंट नहीं करेगा, स्वीकृति नहीं देगा, और ऐसी परिस्थिति में वो बिल कानून का सकल अख्तियार नहीं कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ा हथियार है केंद्र सरकार के पास में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो है कि हालांकि जो स्ट्रक्चर है उसका फेडरल है, लेकिन जो उसकी जो आत्मा है वो यूनिटरी है। और जैसा कि भारतीय संविधान के निर्माता बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान को इस तरह से बनाया गया है कि वो हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए सक्षम है। जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से भारतीय संविधान उस परिस्थिति को मुकाबला कर सकता है। और इसीलिए दोस्तों आप देखते हैं कि समय और परिस्थिति के हिसाब से भारतीय संविधान ने अपने आप को एडाप्ट किया है, और पिछले 70-72 साल में 104 संविधान संशोधन हुए हैं। और चूंकि भारतीय संविधान का मकसद सोशल और इकोनॉमिक चेंज करना है, इसीलिए समय और परिस्थिति के बदलते हुए हालात को देखते हुए संविधान में विभिन्न समय में संशोधन किए गए हैं। और आप देखेंगे कि 1789 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और उसके बाद अभी तक सिर्फ और सिर्फ 27 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान में 1950 के बाद से अभी तक 104 संविधान संशोधन लागू किए जा चुके हैं। इसका कारण यह है कि हिंदुस्तान का जो संविधान है उसको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज के रूप में अख्तियार किया गया है। तो अब हम अमेरिका के संविधान के बारे में देखते हैं। अमेरिका में क्या है, फेडरल स्टेट है, मतलब स्ट्रक्चर में भी और स्पिरिट में भी। इस संविधान का जो बेस है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। और इस थ्योरी को प्रपाउंड किया था मॉन्टेस्क्यू ने, जो फ्रेंच दार्शनिक था मॉन्टेस्क्यू ने। तो सेपरेशन ऑफ पावर से मतलब यह है कि जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, ये तीनों एक दूसरे के जो क्षेत्राधिकार हैं उनमें उनके क्षेत्राधिकार डिफाइंड किए गए हैं। विश्व के सारे संविधान में जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से तो जरूर अलग किया गया है, लेकिन अमेरिकन संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव को और जुडिशियरी को, तीनों को सेपरेट किया गया है। क्योंकि अमेरिकन्स को ये अंदेशा था कि कहीं अगर एक विंग को ज़्यादा पावर दे दिया गया तो हो सकता है कि देश में डिक्टेटरशिप हो जाए। तो उस
विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर किया, जहां पर कि तीनों विंग के जो अधिकार हैं फुल्ली डिवाइड हैं और फुल्ली डिटरमिन्ड हैं, डिफाइंड हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अमेरिका में 50 स्टेट है, और इन 50 स्टेट के अपने कॉन्स्टिट्यूशन हैं, इसके अतिरिक्त जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, केंद्र सरकार का कॉन्स्टिट्यूशन तो सब पर लागू है, लेकिन सभी स्टेट ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं और सभी स्टेट ने अपने यहाँ के नागरिकों को नागरिकता दी है। मतलब एक अमेरिकन सिटीजन के पास में दो प्रकार की नागरिकता है, पहला वो स्टेट सिटीजन है और दूसरा वो अमेरिकन सिटीजन है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कोई दो संविधान नहीं है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए अलग से संविधान जरूर बनाया गया था, लेकिन अभी उसका जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा ही समाप्त कर दिया गया और अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और साथ साथ जो आर्टिकल 370 था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है और सिर्फ सिंगल सिटीजन है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का नागरिक हो, चाहे वो केरल का नागरिक हो, चाहे बंगाल का हो, प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। लेकिन अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया का रहने वाला है तो वो पहले कैलिफोर्निया स्टेट का नागरिक है और उसके बाद में वो अमेरिका का नागरिक है। अमेरिकन संविधान की जो सबसे बड़ा फेडरल विशेषता है वो क्या है कि संविधान के द्वारा सिर्फ 18 मामले 18 सब्जेक्ट्स जो हैं वो केंद्र सरकार के पास में है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो सभी स्टेट के पास में। इसके अतिरिक्त जो रेसिडुअल पावर है, जो संविधान में कहीं लिखा नहीं रहता है किसी भी संविधान में, और समय और परिस्थिति के हिसाब से रेसिडुअल पावर बनते हैं, तो वो रेसिडुअल पावर भी स्टेट में निहित है। हमारे देश के संविधान में रेसिडुअल पावर केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि भारतीय संविधान में जो सब्जेक्ट का डिवीजन किया गया है वो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इस तरह का कंकरेंट लिस्ट अमेरिकन संविधान में नहीं पाया जाता है। नो मेंशन ऑफ इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नो मेंशन ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि कंकरेंट लिस्ट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे संविधान के मुताबिक उसमें कानून बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान अमेरिकन संविधान में नहीं है। वस्तुतः यह कंकरेंट लिस्ट का जो कंसेप्शन है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान निर्माताओं ने लिया था। तो इस तरह का कोई कंकरेंट लिस्ट अमेरिकन संविधान में नहीं है, और
स्टेट और केंद्र के जो सब्जेक्ट हैं वो थॉरली डिफाइंड हैं। तो कांग्रेस, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट जैसा कि मैंने बताया था पूर्व के लेक्चर में कि पार्लियामेंट का मतलब हिंदुस्तान में तीन चीज होता है। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन अमेरिका में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं और इसमें दो सदन होते हैं, पहला सीनेट और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सीनेट के सदस्य संख्या 100 होते हैं, जिसमें 50 सदस्य दो दो सदस्य सीनेट में भेजते हैं, चाहे वो छोटा स्टेट हो चाहे बड़ा स्टेट हो, सभी स्टेट को दो दो सदस्य सीनेट में भेजने का अधिकार है और जिनका डायरेक्ट निर्वाचन होता है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सदस्य संख्या 435 होती है, जो एडल्ट सफरेज मतलब मताधिकार वयस्क मताधिकार के आधार पर पूरे देश को, जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है उसी तरह से अमेरिका में भी बनाई गई है, और उनकी सदस्य संख्या 435 होती है। तो लेकिन कांग्रेस का मतलब यहाँ प्रेसिडेंट नहीं है। कांग्रेस जब हम कहते हैं तो इसमें केवल सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में वो क्यों नहीं है इसके बारे में हम फिर आगे बताएंगे। दोस्तों ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो क्या है? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, अलिखित है, और यह पिछले 300 वर्षों से इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है। तो दूसरी विशेषता यह होगी कि इवॉल्व मतलब विकसित हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जिस तरह से हमारे संविधान की रचना कैसे हुई थी, हिंदुस्तान के संविधान की रचना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया था, और उन्होंने 2 साल 11 महीने के अथक प्रयास के बाद में उन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिसमें कि संविधान सभा में अविभाजित भारत के 394 सदस्य थे, जिसमें कि पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान के हटने के बाद में 100 सदस्यों की संख्या कम हो गई, मतलब 294 सदस्य रह गया, और 26 नवंबर को 1949, जिसको किसको लॉयर्स डे भी कहते हैं, संविधान को एडॉप्ट किया गया था, मतलब अंगीकार किया गया था, क्योंकि इस दिन संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और जिसमें कि उस दिनांक को 284 सदस्यों ने उस पर दस्तखत किए थे। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, स्टेट एग्जामिनेशन हो, या यूपीएससी में। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में व्याख्या कर रहा हूँ, ताकि आपको प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में भी इस वीडियो से मदद मिल सके। तो 284 सदस्यों ने इस पर दस्तखत किए थे, और इसके बाद में 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ था, और अभी तक जो 1935 का एक्ट चला आ रहा था अंग्रेज का,
जिसके आधार पर हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था चल रही थी उसे समाप्त कर दिया गया और इसके बदले में जो हमने नया संविधान बनाया वो लागू हो गया। लेकिन दोस्तों, जो अमेरिका का संविधान है इसी तरह से रिटेन संविधान है और विश्व का पहला संविधान है जो रिटेन लिखित किया गया था। इसी तरह से इंडिया का संविधान भी लिखित किया गया था, लेकिन अमेरिका में और इंडिया के संविधान के बनाने का जो तरीका था वो अलग था। और वो क्या था कि अमेरिका में संविधान बनाने के लिए उन्होंने कन्वेंशन फिलाडेल्फिया, हाँ, अमेरिका में कन्वेंशन एट फिलाडेल्फिया ये 1787 ईस्वी में सभी स्टेट को के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था और करीब 1.5 महीने के अथक प्रयास के बाद में अमेरिका का संविधान बनाया जा सका था, जिसको कि 1789 में 1789 में 12 स्टेट के रेटिफिकेशन करने के बाद में उसको लागू किया गया था 1789 AD में आफ्टर द रेटिफिकेशन बाय 12 स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्रिटेन के संविधान में इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ब्रिटेन का संविधान की शुरुआत 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा के उत्पत्ति से होती है, जहाँ पर कि नॉबल्स ने किंग को मजबूर कर दिया कि आप आर्बिट्री अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, एक जगह आप महत्वपूर्ण टाउन्स के और काउंटी के सदस्य को बुलाइए, टैक्सेशन का प्रावधान करिए। तो वहाँ से मैग्ना कार्टा के चार्टर पर किंग के दस्तखत करने के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की या इवोल्यूशन की शुरुआत ब्रिटेन में होती है। और सिविल वार, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के माध्यम से ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इवॉल्व हुआ। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान बनाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण नहीं किया गया था, बल्कि समय और परिस्थिति के हिसाब से धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलप डेमोक्रेसी की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई और विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, इसीलिए उसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो दोस्तों, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है। क्योंकि ब्रिटेन में कोई स्टेट नहीं है, बल्कि वो काउंटीज में बटा हुआ है और उनका जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है और सॉवरेन बॉडी है। जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है और उसके कानून को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है।
ब्रिटेन में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है और ऑर्डिनरी बिल्स के संशोधन की जो प्रक्रिया है, दोनों समान है और दोनों सदनों में से किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वहाँ भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। अपर हाउस की सदस्य संख्या 777 है आज की तारीख में और हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्य संख्या 650 है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स मनी बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में ही पेश किए जा सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ही पेश किए जा सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में ही पेश किए जा सकते हैं। पूरे देश को 650 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है और वहाँ से फर्स्ट पास्ट पोस्ट जो सिस्टम अपने इंडिया में है, उसी तरह से जो ज़्यादा वोट लेके जीतेगा उसी को एमपी बनाया जाता है, इंडिया में भी, अमेरिका में भी और ब्रिटेन में भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो यूनिटरी इन स्ट्रक्चर है और पार्लियामेंट जो है वो सार्वभौम है, क्योंकि वो कोई भी कानून बना सकती है, उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। लेकिन हम अमेरिका के संविधान में क्या है, अमेरिका के संविधान में जो पार्लियामेंट है मतलब कांग्रेस, वो सार्वभौम बॉडी नहीं है, मतलब सॉवरेन बॉडी नहीं है। वहां सॉवरेन बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, क्यों कि कांग्रेस के द्वारा जो भी कानून पास किए जाएंगे उसे अमेरिकन जुडिशियल रिव्यू के तहत में देखेगा कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट से मेल नहीं खाता है तो उसको स्ट्रक डाउन कर देगा। और यही बात हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी पार्लियामेंट सार्वभौम बॉडी नहीं है, सॉवरेन बॉडी नहीं है, और यहाँ भी अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून को चैलेंज किया जा सकता है। हालांकि पार्लियामेंट को इवन धारा 368 आर्टिकल 368 को भी अमेंड करने का या संशोधन करने का पावर है, लेकिन जो केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ केरला और दूसरा मिनरवा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1973 का है और ये 1980। इन दोनों जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने एक नया प्रिंसिपल प्रतिपादित किया और उनका कहना है कि भले ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को इवन आर्टिकल 368 को भी अमेंड करने का पावर है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स द इंडियन पार्लियामेंट कांट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन ही नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू के तहत में अनलिमिटेड अधिकार है,
लेकिन जो मोटा मोटी जो हम लोग समझते हैं वो ये है कि जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आएगा, फंडामेंटल राइट, के अधीन राइट टू लाइफ, एंड लिबर्टी, जो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 का भारतीय संविधान का अंग है, जिसके तहत में विभिन्न प्रकार के रिट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसके तहत में मैंने डिटेल में 3 वीडियो बना चुका हूं मैं, तो उसको आप देख सकते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया है, और इसके तहत हम लोग ये समझते हैं कि जो प्रियम्बुल में, जो भारतीय संविधान के प्रियम्बुल में एक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक और एंड सॉवरेन स्टेट सॉवरेन स्टेट की परिकल्पना की गई है, जिसमें कि पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये जो भारतीय संविधान के जो प्रियम्बुल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी के बारे में बताया गया है, जो विजन ऑफ इंडिया क्या होगा, जिसको कि संविधान उसको व्याख्या करता है, तो सुप्रीम कोर्ट का इशारा इसी ओर है कि आप ऐसा कोई भी संशोधन न करें जिससे जो विजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वही खतरे में न पड़ जाए। तो जुडिशियल रिव्यू के तहत में सुप्रीम कोर्ट भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा पास किए कानून को चैलेंज कर सकता है, अगर उसके हिसाब से वो बेसिक स्ट्रक्चर पर आघात उत्पन्न करता है तो उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। तो इस तरह से भारतीय पार्लियामेंट के पास में हालांकि अनलिमिटेड पावर है, लेकिन वह ब्रिटेन के संविधान या ब्रिटेन के पार्लियामेंट के तरह एक सॉवरेन बॉडी नहीं है। हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सॉवरेन बॉडी है, और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीनों अंग कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करते हैं। दोस्तों अब चलते हैं लेजिस्लेचर पर। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी संविधान के 3 अंग होते हैं, पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर में जहाँ तक भारत के संविधान का प्रश्न है, यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको लोकसभा कहते हैं या लोअर हाउस, इसकी अधिकतम संख्या 550 तक हो सकती है, और दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसकी अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है,
अधिकतम संख्या, जिसमें कि 238 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मनोनीत होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो साइंस, आर्ट्स, कल्चर, सोशल वर्क में अपने फील्ड में उन्होंने बहुत ज़्यादा समाज को कंट्रीब्यूट किया हो, तो ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और 238 सदस्य, जिसमें कि राज्य और यूनियन टेरिटरी जहाँ पर कि लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, और इनके चुनाव राज्यसभा के मेंबर की चुनाव की वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो प्रेसिडेंट के लिए किया जाता है। वो क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो दोस्तों इसके बारे में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के बारे में हमने पूर्व के वीडियो में काफ़ी डिटेल में व्याख्या मैंने किया है, आप उसको देखें। अभी सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसमें राज्य के जो लेजिस्लेटिव असेंबली माने MLAs वो भाग लेते हैं, और यूनियन टेरिटरी जिसके कि लेजिस्लेटिव असेंबली है जैसे दिल्ली के और पांडिचेरी के, और अभी जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा हालांकि वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो उनके सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए उसके पॉपुलेशन के हिसाब से सदस्य संख्या तय किया गया है। जैसे कि MP के लिए राज्यसभा में सदस्य संख्या 11 तय किए गए हैं और बिहार में 16 और UP में 31, तो इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो राज्य की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से एज पर एज प्रैक्टिकल सभी राज्यों को पॉपुलेशन के हिसाब से समान रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में मिल सके, तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। और जहां तक लोकसभा का सवाल है तो अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें कि 530 सदस्य या MP विभिन्न स्टेट से चुने जा सकते हैं और 20 सदस्य अधिकतम 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी से चुने जा सकते हैं। अमेरिका के संविधान में कांग्रेस की स्थापना की गई है, इसके दो हाउस होते हैं, पहला अपर हाउस जिसको सीनेट कहते हैं, इसकी सदस्य संख्या 100 होती है, और चूंकि अमेरिका में 50 स्टेट हैं तो प्रत्येक स्टेट को दो दो सदस्य भेजने का अधिकार है, और इसीलिए उसकी सदस्य संख्या 100 है, जबकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो राज्यसभा जो हमारा जो अपर हाउस है वहाँ पर स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से उसकी सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। दूसरा जो हाउस होता है वो होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसकी सदस्य संख्या 435 होती है।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर डायरेक्टली चुना जाता है। 18 या 18 से ज़्यादा के जो नागरिक हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है, और सीनेट को भी, जो सीनेटर होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और प्रत्येक राज्य 2 सीनेटर चुनता है, और इनका चुनाव भी डायरेक्ट ही होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राज्यसभा, जो हमारा अपर हाउस है, उसका जो चुनने का प्रक्रिया है वो इनडायरेक्ट है, और राज्य के असेंबली के मेंबर माने एमएलएज के द्वारा ऑन द बेस प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरल वोट के माध्यम से चुना जाता है। जबकि सीनेट के सदस्य माने सीनेटर को सीधे डायरेक्टली निर्वाचित किया जाता है, और इसी तरह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों को लोकसभा के सदस्यों की तरह डायरेक्ट निर्वाचन होता है। इनके जो पीरियड होते हैं, टेन्योर होता है, वो होता है सिर्फ 2 इयर्स के लिए, और हमारे यहाँ लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स के लिए होता है। इमरजेंसी के दौरान 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है इसको 5 इयर्स में, लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होता है, और ये कभी डिजॉल्व नहीं होता। हिंदुस्तान में लोकसभा को 5 साल से पहले भी डिजॉल्व किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर रिटायर होते हैं, बाइनली रिटायर होते हैं, और इसी तरह से सीनेट में भी यही प्रावधान किया गया है, प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य के रिटायरमेंट का प्रावधान है। ब्रिटेन में अपर चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, और जिसकी सदस्य संख्या 777 है अभी वर्तमान में, ये कोई फिक्स नहीं है, घटते बढ़ते रहता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो जैसे कि लाइफ पीयर्स, हेरिडिट्री इलेक्टेड पीयर्स, और तीसरा बिशॉप्स, ये इनके सदस्य होते हैं जो क्राउन के द्वारा इनको नामांकित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। जो सबसे पावरफुल हाउस है ब्रिटेन के पार्लियामेंट का, उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। जिसकी सदस्य संख्या 650 है, और पूरे ब्रिटेन को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में विभाजित करके हमारे हिंदुस्तान की तरह ही वहां भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर एमपी का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इसके बाद हम चलते हैं कि लेजिस्लेचर का तीनों संविधान में क्या महत्वपूर्ण स्थान है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं
कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में तीन अंग होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसा कि मैं बता चुका हूं पहला, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। क्योंकि कोई भी कानून लोकसभा से पास होने के बाद में फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां पास होने के बाद में प्रेसिडेंट का एसेंट लगेगा या स्वीकृति होगा। अगर प्रेसिडेंट की स्वीकृति नहीं होती है तो वो बिल कानून में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको ड्यूअल फंक्शन है, दो प्रकार के उसको कार्य दिए गए हैं। पहला कि वह एग्जीक्यूटिव का हेड है, पूरे भारत का कार्यपालिका का प्रधान है, सारे जो शासन प्रशासन के जो काम उसके नाम से किए जाते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट है, और इसके साथ ही वो विधायिका का भी हेड है, मतलब पार्लियामेंट का भी हेड है। क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी बिल पास होने के उपरांत जब तक प्रेसिडेंट के दस्तखत नहीं होंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो इस तरह से जब हम इंडियन पार्लियामेंट कहते हैं तो हम तीन चीज को इंगित करते हैं, पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। अमेरिका में ऐसा प्रावधान नहीं है, कांग्रेस वहां का पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, उसके दो हाउस हैं, एक सीनेट और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से कानून पास होने के बाद में यहां भी मनी बिल जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही पेश किए जाते हैं। और लेकिन सीनेट को ऑर्डिनरी बिल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बिल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो या मनी बिल हो, हालांकि मनी बिल ऑरिजिनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा, लेकिन सीनेट को बराबर का पावर है। लेकिन हमारे संविधान में राज्यसभा को मनी बिल के मामले में मात्र 14 दिन तक रखने का अधिकार है, या तो उसमें संशोधन कर सकता है जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं, या नहीं कर सकता है, या उसको पेंडिंग रख सकता है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा को यह अख्तियार है कि वह 14 दिन के बाद में उसको मनी बिल को पास समझे। लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल है उसमें राज्यसभा को भी समान अधिकार है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसमें भी राज्यसभा को समान अधिकार है। लेकिन यदि किसी ऑर्डिनरी बिल के मामले में कोई डेडलॉक उत्पन्न हो जाए तो हिंदुस्तान के संविधान में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान है, जिसके तहत में जब ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होगा तो चूंकि राज्यसभा की सदस्य संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या के आधे के लगभग में है, तो इसीलिए जो लोकसभा का जो विल होगा वही प्रभावी रहेगा। अमेरिका के संविधान में इस प्रकार का ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। सीनेट यहाँ का बहुत पावरफुल बॉडी है, क्योंकि जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होगा तो सीनेट को मंजूर करना होगा। आप देखेंगे कि जैसे कि एक उदाहरण है कि लीग ऑफ नेशंस में अमेरिकन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का बहुत बड़ा योगदान रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के बाद में, लेकिन जब वो अमेरिका गए तो सीनेट ने उनके द्वारा किए गए ट्रीटी को मंजूर नहीं किया, और इस तरह से अमेरिका लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं बन पाया। तो इस तरह से जो सीनेट है वो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट में भी पावरफुल है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट किसी पदाधिकारी को नियुक्त करना चाहता है तो उसको सीनेट की मंजूरी लेनी होगी, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, तो उसकी सीनेट की मंजूरी होना जरूरी है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान राज्यसभा, हिंदुस्तान की जो राज्यसभा है उसको ये पावर नहीं मिला हुआ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भी कोई पावर नहीं है कि वो ट्रीटी को मंजूर करे या
धन विधेयक के मामले में सिर्फ और सिर्फ उसको एक महीने तक, 1 month, उस बिल को रोकने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त जो ऑर्डिनरी बिल हैं उस मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मात्र 1 साल तक रखने का अधिकार है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राज्यसभा और कांग्रेस, मन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के कांग्रेस में जो सीनेट है अपेक्षाकृत बहुत कमजोर पोजीशन में है। इसके बाद दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों देखते हैं कि जहां तक लेजिस्लेचर का सवाल है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो सेपरेशन ऑफ पावर के रूल के तहत में गाइड होता है, वो उसका पार्ट नहीं है। अगर कांग्रेस किसी कानून को पास कर दे और अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं चाहे तो भी वो कानून पास कर सकता है। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन है इंडियन पार्लियामेंट में और अमेरिकन कांग्रेस में। इसी तरह से हम ब्रिटेन में देखते हैं कि जो लेजिस्लेचर है उसमें जो किंग या क्वीन ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिस्सा हैं, और कोई भी कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड से पास होने के बाद में क्वीन के पास मंजूरी के लिए जाएगा। और हालांकि प्रेरोगेटिव है क्वीन को कि वो उस कानून पर अपनी स्वीकृति ना दे, एसेंट ना दे, लेकिन पिछले 200 वर्षों से किंग या क्वीन ने ऐसा नहीं किया। और ये कन्वेंशन डेवलप हो गया है कि जब भी कोई बिल पास होने के उपरांत किंग या क्वीन के पास ना आएगा तो वो उस पर मंजूरी देगा और उसके बाद में वो बिल कानून का शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो ऐसा प्रावधान ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी है। अब दोस्तों चलते हैं हेड ऑफ स्टेट। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हेड ऑफ द स्टेट है, जैसा कि मैंने बताया कि सारे शासन प्रशासन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से चलाए जाते हैं, लेकिन वो हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। With Council of Ministers, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। संविधान में प्राइम मिनिस्टर का दर्जा प्राइमस इंटर पेयर्स का कहा गया है, फर्स्ट एमंग इक्वल्स का कहा गया है, लेकिन वर्चुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम प्राइम मिनिस्टर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का या सरकार का प्रधान मुखिया हो गया है, उसकी पावर में इजाफा हो गया है और बाकी मंत्री की ताकत कमजोर होती गई है। उसका कारण यह रहा है कि हिंदुस्तान में एक से एक बढ़कर के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और जिसके कारण से पार्लियामेंट्री फॉर्म इवॉल्व होते होते आजकल प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तब्दील हो गया है। तो जिस तरह से आर्टिकल 74 और 75 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भारत का जो प्रशासन है उसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होगा, जो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देगा, और धारा 75 में इसकी व्याख्या है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर काम करेगा। अमेरिका में प्रेसिडेंट ऑफ
ऑफ द यूएस, वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। दोनों पावर उसमें समाहित हैं और वो कांग्रेस पर डिपेंडेंट नहीं है। और जिस तरह से हिंदुस्तान में कोई भी शासन तब तक चल सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में लोअर हाउस का कॉन्फिडेंस प्राप्त हो, मतलब उसको मेजोरिटी प्राप्त हो, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को ऐसा कोई बंधनकारी कानून उस पर लागू नहीं है। वो एक सेपरेट बॉडी है और वो शासन प्रशासन चलाने के लिए अपना सेक्रेटरी नियुक्त करता है। हालांकि ये सेक्रेटरीज जो हैं या जो पदाधिकारी हैं वो उनकी नियुक्ति सीनेट के मंजूरी के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका किसी प्रकार के जो पॉलिसी है उसके लिए अंतिम रूप से जिम्मेवार वही होगा। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो है किंग, है किंग और क्वीन। जैसे अभी एलिजाबेथ सेकंड है क्वीन 1952 से, सारे शासन प्रशासन क्वीन के नाम से चलाए जाते हैं, लेकिन वो नाम मात्र का शासक है, टिटुलर हेड है। सारी सत्ता प्राइम मिनिस्टर के पास में है, प्राइम मिनिस्टर विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो प्रस्ताव किंग या क्वीन को पेश किए जाते हैं, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से प्रस्ताव पारित होने के बाद में, तो वो क्वीन पर बंधनकारी है और सी इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहां पर जो परिस्थिति है वो ब्रिटेन के जो प्रशासनिक व्यवस्था है और हमारे हिंदुस्तान में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो लगभग समान है। यहां भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता यह होती है कि प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोअर हाउस मतलब लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होंगे और वो बहुमत दल के नेता होंगे। वो तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं या उनका मंत्रिपरिषद तभी तक पद पर रह सकता है जब तक कि उनको लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त है, बहुमत प्राप्त है। जिस दिन बहुमत समाप्त हो गया उसी दिन उनको इस्तीफा देना होगा। और जो मिनिस्टर्स नियुक्त किए जाते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन के हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा सरदार मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी भी राज्यसभा के सदस्य थी जब प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है।
तो यहाँ पर इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जहां पर कि प्रेसिडेंट जो है, जैसा मैंने बताया, हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, और वो जो अपना सेक्रेटरी या मंत्री नियुक्त करता है वो कांग्रेस के प्रति जिम्मेवार नहीं होता है, और ना ही वो कांग्रेस के दोनों सदनों जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट का सदस्य होता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अपना मंत्रिपरिषद खुद गठन करता है विद द कंकरेंस ऑफ द सीनेट। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और हमारे देश की तरह ही वहां भी प्राइम मिनिस्टर और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है जो हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति जिम्मेवार होता है। जब तक हाउस ऑफ कॉमन्स में उसकी मेजोरिटी होती है तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है, जिस दिन उसकी मेजोरिटी खत्म हो जाती है उसी दिन उसे इस्तीफा देना होता है। ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा लोकसभा का सदस्य होता है, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है, और जो इसके इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स होते हैं, जो जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हो सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों जुडिशियरी पर। जुडिशियरी में हिंदुस्तान में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम लागू है, जैसा कि आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद में हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं, अभी के लिए इतना ही मैं बता देना चाहता हूं कि इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब यह होता है कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, कि अगर कोई फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आएगा तो उसके बाद में उसके खिलाफ में हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, उसके बाद में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट को कुछ ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का उसको अल्टीमेट अधिकार प्राप्त है। इसी तरह का व्यवस्था अमेरिका में भी है, और अमेरिका में भी इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, वहीं से हमारे संविधान निर्माताओं ने बोरो किया इस कंसेप्ट को, और वहां भी एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, इस तरह की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे अभी इंडिया में जो जजेज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस 4 सीनियर जजेज होते हैं। और इस कॉलेजिएट के द्वारा राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस किसी जज को नियुक्ति करने के लिए दिए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर किए जाने पर उनका अपॉइंटमेंट, संबंधित जज का अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाता है। तो यहां पर जो जजेस का सिलेक्शन होता है वो इंडोर होता है, जबकि अमेरिका में जो जजेस का सिलेक्शन होता है वो पब्लिक व्यू में होता है, और जब किसी जज के अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के द्वारा किया जाता है तो सीनेट में एक जुडिशियल कमिटी होता है, और ये कमिटी ट्रांसपेरेंटली संबंधित कैंडिडेट फॉर जजशिप को उसका स्क्रीन करता है, उसके बारे में पूरा इंक्वायरी करता है, उसके इंटरव्यू लेता है। अगर किसी पब्लिक को उस संबंधित
कैंडिडेट के बारे में कोई जानकारी है तो वो भी जानकारी विथ प्रूफ जुडिशियल कमिटी मंगाता है और पूरी तरह से जांच परख करने के बाद में जजेस की नियुक्ति सीनेट के द्वारा अप्रूवल दी जाती है और उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उसको नियुक्त करता है। तो वहां पर पारदर्शी ढंग से जजेस की नियुक्ति का प्रावधान है। ब्रिटेन में 2009 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। इसके पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 12 मेंबर होता था जो लॉ लॉर्ड्स बोलते थे। और इनके द्वारा फाइनल अपील सुना जाता था, लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कर दिया गया है और जिसके तहत जजेस की नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन के आधार पर किंग या क्वीन के द्वारा नियुक्त की जाती है और वो जो प्रक्रिया है वो सिमिलर है जैसा कि हमारे हिंदुस्तान के संविधान में इसकी व्याख्या की गई है। दोस्तों इसके बाद चलते हैं अमेंडमेंट प्रोसीजर। दोस्तों अमेंडमेंट की प्रक्रिया क्या है, तो जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि हिंदुस्तान में जो संविधान संशोधन के जो प्रक्रिया है वो तीन प्रकार का है। पहला, कुछ विधेयक को मतलब संशोधन विधेयक को ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। दूसरा, ऐसे विधेयक जिसको कि स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है दोनों सदनों से। और तीसरा है जिसमें कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट असेंबलीज। ये तीसरे प्रकार के जो संशोधन प्रक्रिया है वो थोड़ा सा कठिन है और वो संशोधन है जो सीधे सीधे फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार करता है। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कि अभी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको GST भी बोलते हैं भारत सरकार ने लागू किया है, तो GST या टैक्स बोलेंगे इसको, टैक्स इसको पास कर चुकी है। टैक्स से संबंधित कानून है तो इसको पास करने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ा और उसके अलावा हिंदुस्तान के आधे राज्यों के असेंबलियों से भी पास कराना पड़ा, क्योंकि जो टैक्स का जो कानून है वो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को प्रभावित करता है। दूसरे जो स्पेशल मेजोरिटी ऐसे कानून है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दो तिहाई बहुमत से पास करना होगा, 2/3 ऑफ मेजोरिटी प्लस मोर देन हाफ ऑफ द नंबर्स ऑफ MPs इन ईच हाउस।
जैसे कि किसी संवैधानिक पद पर रहने वाले पदाधिकारी जैसे चीफ जस्टिस हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो इसमें जब हम इम्पीचमेंट की प्रक्रिया लाएंगे तो उन्हें आपको 2/3 बहुमत से, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो जो सदस्य, जो लोकसभा का जो सदस्य संख्या है उसकी 2/3, और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, लेकिन उसके साथ जो टोटल जो स्ट्रेंथ है उस समय जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है लोकसभा का, उसका भी बहुमत होना चाहिए। जो दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, इसके बारे में हम पूर्व के वीडियो बता चुके हैं। तो हिंदुस्तान में 3 प्रकार के संशोधन विधेयक लागू किए जाते हैं। अमेरिका में 2 प्रकार की प्रक्रिया है। पहला है कांग्रेस, कांग्रेस अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहती है तो दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से उसे पारित करना होगा, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस। दोनों हाउस से पारित होने के बाद में इसे राज्यों को भेजा जाएगा, जहां पर कि 3/4, मैंने जो राज्य वहां 50 है उसका 3/4 राज्यों, 3/4 स्टेट्स विल हैव टू रेटिफाई दोज अमेंडमेंट्स। या इसके दूसरे तरीके भी हैं, राज्यों को भी संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, जो कि हमारे हिंदुस्तान के संविधान में नहीं है। राज्यों को कोई भी पावर संविधान संशोधन में हिंदुस्तान के संविधान ने नहीं दिया है, लेकिन अमेरिका के संविधान ने राज्यों को भी उतना ही पावर दिया है अमेंडमेंट में जितना कि कांग्रेस को दिया। वो कैसे कि अगर राज्य चाहता है कि कोई भी संवैधानिक प्रक्रिया या किसी मामले पर किया जाए तो उसे 2/3 बहुमत से, 2/3 ऑफ द स्टेट्स, 2/3 ऑफ द स्टेट ये प्रपोजल भेजेगा। 50 राज्य हैं तो 50 33 राज्य के द्वारा, 50 में से 33 स्टेट के द्वारा ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए उनके स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा, और उसके बाद में वो प्रस्ताव कांग्रेस के पास आएगा। कांग्रेस फिर कन्वेंशन बुलाएगा राज्यों का, अपनी सहमति देगा, और उसके बाद 3/4 ऑफ द स्टेट्स इसको रेटिफाई करेगा। इसके बाद ही ये प्रेसिडेंट के पास में जाएगा ये विधेयक, और प्रेसिडेंट या तो एसेंट देगा या उसको विथहेल्ड करेगा या वीटो करेगा। तो अगर एसेंट दिया तो कानून बन जाएगा, अगर वो वीटो करेगा तो अधिकतम वो 10 दिन तक उसको वीटो रख सकता है, उस कानून को रख सकता है, उसे पुनः वापस, या तो वो कांग्रेस को वापस करेगा या नहीं भी कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस ने पुनः 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया तो राष्ट्रपति भले ही
मंजूरी दे या ना दे, ऐसी परिस्थिति में वो कानून बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है या सस्पेंसिव वीटो का पावर है वो बहुत ही लिमिटेड है, जबकि हमारे राष्ट्रपति का माने इंडियन प्रेसिडेंट का वीटो पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कितने दिन तक राष्ट्रपति अपने पास में कंसिडरेशन के लिए रखेगा। तो इस तरह से दोस्तों देखते हैं कि कांग्रेस का जो और जो राज्यों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पावर अमेरिका में है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत रिजिड है, जिसके कारण से अभी तक 200 वर्षों से ज़्यादा के इतिहास में अमेरिका में मात्र 27 अमेंडमेंट हो पाए हैं। जबकि हिंदुस्तान में 70 साल 72 साल के इतिहास में मात्र मतलब कुल 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ब्रिटेन में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है, चाहे वो ऑर्डिनरी कानून हो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कानून हो, उसमें एक ही प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि 50% मोर देन 50% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ एमपी, अगर दोनों सदनों में किसी प्रस्ताव को अमेंडमेंट बिल को प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो उसके बाद में वह प्रस्ताव किंग या क्वीन के पास जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि किंग या क्वीन ने पिछले 200 वर्षों तक से किसी भी बिल पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं किया, वहाँ पर यह एक कन्वेंशन हो गया है। हालांकि एसेंट या स्वीकृति देना या ना देना यह क्वीन का प्रेरोगेटिव है, जिस तरह से हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास में भी एक प्रेरोगेटिव है। और 44वें संशोधन के द्वारा अब यह नियम बना दिया गया है कि अगर कोई भी कानून या वो अमेंडमेंट का ही प्रस्ताव क्यों ना हो, अगर राष्ट्रपति के पास में जाता है दोनों सदनों से पास होने के बाद में, तो राष्ट्रपति अगर चाहता है कि इसमें कुछ सुधार किया जाए तो दोबारा से लोकसभा और राज्यसभा के पास में उस प्रस्ताव को भेजेगा, और अगर पुनः राज्यसभा या लोकसभा दोनों ने उस प्रस्ताव को वैसे के वैसे या अमेंडमेंट करके के राष्ट्रपति के पास में भेज देता है तो राष्ट्रपति के पास में दस्तखत करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं वो बहुत सीमित कर दिए गए हैं। लेकिन जो ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट है क्वीन, उन्होंने कन्वेंशन के तहत में पिछले 200 वर्षों में कोई भी ऐसा बिल नहीं रहा जिस पर कि अगर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 50% बहुमत से पास कर दिया हो तो उस पर उन्होंने मंजूरी ना दी हो, मतलब ये कन्वेंशन हो गया कि उन्हें मंजूरी देना ही होगा। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि तीनों संविधान के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। जब आप भारतीय संविधान के बारे में जब प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और यदि आपको ब्रिटिश संविधान या अमेरिकन संविधान के बारे में भी जानकारी होगी तो उन चीज़ों का भी आप अगर आप उल्लेख अपने उत्तर में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलेंगे, अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे। तो इसी के तहत मैंने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
और अपना बहुमूल्य सुझाव मुझे जरूर दें, ताकि आने वाले दिनों में जब मैं अन्य वीडियो बनाऊं तो वो और भी बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच।